मुँह ही नहीं दिखाता है जब वोट की टाइम आती है तो हाथ भी जोड़ता है पैर भी जोड़ता है दादा का नाम भी जानता है तुम तो मेरे ही हो कुर्सी मिल गई तो कहते हैं हम जानते नहीं कहाँ से आए हो तुम कहाँ से आए हो तुम किसी जानकार को साथ लेके आते अरे मैं जानकार हूँ आप भी जानकार हैं मैं इसी देश में पैदा हुआ हूँ मैं इसी देश में रह रहा हूँ इसी घर में रह रहा हूँ इसी गाँव में रह रहा हूँ कोई सुनाई नहीं है बिल्कुल ही नमस्कार मेरा नाम है राजपाल तो शेखावत और आप देख रहे हैं आपूं शिक्कत विकास का मतलब क्या होता है विकास को अगर आप कोई पैमाना हो तो उसे आप कैसे नापेंगे अगर बड़े बड़े शहरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख आप कहेंगे कि ये विकास है तो मैं कहूँगा गलत है विकास अगर आपको देखना है तो आप गाँव में पहुँचें खेतों में पहुँचें वहाँ जाकर देखें उस आम आदमी की ज़िंदगी कैसी है आज हम पहुंचे हैं दो तहसील के टाटनवा गांव में और यहां आकर जब एक गली को देखा तो ये लगा कि कहां विकास की बातें हम कर रहे हैं ये गली आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस गली के उस छोर पर रहने वाले व्यक्ति अपने घर कैसे पहुंचता होगा इस इन घरों में रहने वाली जो महिलाएं हैं जो बच्चे हैं वो रोज़ किस प्रकार से इस गली में आती जाते होंगे अभी मैंने जब देखा महिलाएं जिस प्रकार से इस गली में आ रही थी जा रही थी मुझे देख के काफ़ी डर लग रहा था कि ऐसे देखने में लग रहा था कि अभी पैर फिसलेगा और वो इसमें गिर जाएंगे काफ़ी डरावनी चीज़ है मैंने खुद ट्राई करके देखा कि मैं उस छोर तक पहुँच कर देखूँ जब मैं वहाँ तक पहुँचा तब जाके मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं बिना गिरे वहाँ तक पहुँच चुका हूँ बीच में मुझे भी एहसास हुआ कि हाँ मैं कभी भी गिर सकता हूँ इस समस्या के बारे में पूरे जानने के लिए गांव के कुछ लोग जो इस इसी गली के उस छोर पर रहते हैं उनसे हम बात करेंगे ताकि आप इस समस्या को और अच्छे से समझ सकें गांव के कुछ लोग अभी हमारे साथ हैं तो उनसे हम बात करें सर आप ये जो समस्या है गली की उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि ये कब से समस्या है और इसकी वजह से आपको क्या तकलीफ़ होती है ये समस्या हमारे हो रही है कम से कम तीन साल से हो रही है लेकिन हम बहुत ज़्यादा परेशान है हमारी कोई सुनाई करता नहीं है हम विधायक के पास भी गए हैं सब जगह जाकर आए हैं है, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं करता आके है आता है देख के जाता है और बोलता है हम कर देगा आपकी बार कर देंगे एक हफ्ते में कर देंगे पंद्रह दिन में कर देंगे बीस दिन में कर देंगे कोई हमारा सुनाई होता नहीं है लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा समस्या कोई भी हमारे कोई ख़त्म हो गया मर गया और गया तो उसकी कीचड़ से ही हमको निकलना पड़ता है हमारी बहुत ज़्यादा समस्या है ये समस्या है कितने टाइम से यह समस्या है कि एक तो मान लो देखने में ऐसा होता है कि ये पानी भरा हो पाँच दिन से सात दिन से या महीने भर से पानी भरा हो भर से नहीं है ये कम से कम है तो चार साल से पानी हमें हमारे भरा हुआ है अमूक लोग हैं जो घर छोड़ के चला गया खेत के माने चला गया इस पानी और गंदगी को देख के छोड़ के चला गया खेती में चला गया आप एक बार अंदाजे से अगर मुझे बता दें कि इस गली को पार करके कितने ऐसे घर हैं जिनका दूसरा कोई रास्ता नहीं है कितने लोगों को यहाँ से जाना है क्या दो सौ घर के रास्ता है वो दो सौ घर बहुत ही ज़्यादा परेशान है कोई रास्ता नहीं इसका आम रास्ता यही है बस बाजार में आने का कोई भी चाय लेके आता है चीनी लेके आता है तो यही पानी से गुजर के आता है वो आदमी बिल्कुल तो आप यहाँ के जो स्थानीय सरपंच हैं क्या आपने उनसे बात नहीं की इस बारे में नहीं सरपंच से बात करी सरपंच क्या करेगा सरपंच आता है बोलता है करवा दूंगा करवा दूंगा लेकिन सरपंच भी सुनाई नहीं करता है कोई भी पंच नहीं करता है सरपंच नहीं करता है लेकिन हमारी मजबूरी है ये गली में रहने की जब चुनाव आए होंगे तो चार साल की ये समस्या और तीन साल पहले चुनाव है तो बिल्कुल ये बात आपने विधायक के जो चुनाव उसमें आपने उठाई होगी तो विधायक तो ने क्या आपको इस बारे में कुछ कहा हमसे वादा करा था कि हम सफाई करवा दूंगा इधर सड़क बनवा दूंगा नाली बनवा दूंगा लेकिन कुछ नहीं हुआ आज तक भी बिल्कुल ये आप देख पा रहे हैं कि जब चुनाव आते हैं तो विधायक कहता है कि मैं यहाँ पर आपके सड़कें बनवा दूंगा काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी लेकिन चुनाव के बाद में कोई भी विधायक आपसे बातें नहीं करता है हम इस गली के अलावा इस गांव में काफ़ी सारी और जगह भी हैं जहाँ पर पानी भरता है उसके बारे में गाँव के जो कुछ और लोग हैं उनसे इस बारे में बात करेंगे सर आप थोड़ा सा बताएं कि ये तो मैं इस एक गली की बात कर रहा हूँ क्या इस गांव में सिर्फ़ ये ही एक जगह है जहाँ पे इस प्रकार की समस्या सब, है पानी बढ़ता सबसे बड़ी समस्या तो इसी गली में है समस्या सब जगह है तीन जगह गांव में ऐसा है कि बच्चों को सुबह स्कूल जाने के लिए अभी बैग भी माता पिता ले कर और सिर पर उनको छोड़ के जाते हैं इस रोड पर यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सुबह सात बजे बस आती है तो उस उस टाइम उसको लाना पड़ेगा और लाएंगे कहाँ से या तो फिसल जाएगा या कपड़े ख़राब हो जाएंगे फिर उसको कर ले जाओ जब तो बस निकल जाती है मोन मेन प्रॉब्लम सिटी से कोई भी सामान लाते हैं या तो ऐसा तो है नहीं कोई टेम्पू है जो अंदर से चला जाएगा सिर पर ले जाते हैं या तो चीनी चीनी चाय जो भी सामग्री है वो या तो यहीं नष्ट हो जाती है या घर पहुंचती नहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विधायकों को बोला है हर विधायक एस डी एम सब ने आश्वासन पासन देखे गए हैं यहाँ पे प्रशासन गाँव के अभी था उन्होंने कहा आठ दिन में आपका समाधान हो जाएगा अब सत्ताईस तारीख की बात है अब कितने दिन हो गए आप ही बताइए और विधायक जो हमारे पंचायत समिति के प्रधान है उन्होंने वादा किया था हमारे से कि ये जब हम जीतेंगे इस गांव से वो है जीतेंगे तो सर्वप्रथम करवाएंगे आज तक न तो आते हैं फिता लेके भेज देते हैं वहाँ से और वो नाप के चले जाते हैं फिर एक महीने के बाद में वो वापस आ जाते हैं ये प्रॉब्लम है यहाँ न तो खाने की समस्या पड़ोसी कैसे खाएगा घर वाला कैसे खाएगा, खाएगा खाना टाइम पर तो बदबू कितनी है आप भी देख लो किताब के सामने है तो ऐसी समस्या है इसका तो कोई समाधान अब कैसे होगा के, तो वो तो निर्भरी है गांव बस्ती तो परेशान है आम जनता है परेशान है लोग कहते हैं डेंगू हो गया वो हो गया तो अब आप ही इसकी समस्या का समाधान तो या तो इस पर करेगा नहीं कैसे होगा बिल्कुल हम बाकी और जो लोग हैं उनसे भी मैं बात करते हैं तो आप हमें थोड़ा सा ये बताइए जो समस्या है इनके बारे में आप बताइए कि गांव में और कौन सी समस्याएं हैं और ये पानी की समस्या है और कहां कहां पर है ये उधर है ये है ही ये है और फिर आगे चल के उधर और है चार जगह ये परेशानी है वो ठाडी परेशानी है आता है वो बोलता है कि मैं करवा दूँगा वापिस आता ही नहीं वो मुँह ही नहीं दिखाता है जब वोट की टाइम आती है तो हाथ भी जोड़ता है पैर भी जोड़ता है दादा का नाम भी जानता है तुम तो मेरे ही हो कुर्सी मिल गई तो कहते हैं हम जानते नहीं कहाँ से आए हो तुम कहाँ से आए हो तुम किसी जानकार को साथ लेके आते अरे मैं जानकार हूँ आप भी जानकार हैं मैं इसी देश में पैदा हुआ हूँ मैं इसी देश में रह रहा हूँ इसी घर में रह रहा हूँ इसी गांव में रह रहा हूँ कोई सुनाई नहीं है बिल्कुल ही ये तो अभी की बात है जब बारिश का मौसम नहीं है जब बारिश होती है बारिश के मौसम में क्या हालात होंगे उसके बारे में भी तो गंदा हाल होता है, है। ये घर पूरा भर जाता है पूरा घर भर जाता है ये फिर वो उधर मोला है उसमें चला जाता है वो थोड़ी समस्या है साहब कोई सुनाई नहीं है इस राज की तरफ से तो ये गांव मर गया ऐसे हो गया बट्टा हो गया ये इससे आगे तो क्या है जब वोट आते हैं तो हाथ भी जोड़ते हैं पैर भी जोड़ते हैं हम करवा देंगे चिंता मत करना बाद में कोई नहीं आता है आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी बीच में ये समस्या लगभग तीन साल से गांव में पहले नहीं थी लेकिन तीन साल से जब ये सड़क बनी एम डी आर रोड बनी उसके बाद में ये समस्या उत्पन्न हुई क्योंकि सड़क ऊंची हो गई और जो घर रहवासी जो आवासीय घर थे वो नीचे हो गए इसलिए ये समस्या पैदा हुई उसके बाद बार बार हमने प्रशासन को अवगत कराया इस बात के लिए एस डी एम साहब को भी अवगतराया बी डी साहब को अवगत कराया तहसीलदार साहब को भी जब प्रशासन गांव के संग अभियान था तब हम उनको यहाँ रास्ता रोक के उनको बताया कि ये परिस्थितियाँ हैं इस गांव के अंदर ये समस्याएं हैं एक बार मैंने पहले भी प्रयास किया कि शहीद हुआ गया गांव का तब हमने प्रशासन को अवगत कराने का प्रयास किया लेकिन गाँव वालों की सहमति से फिर हमने सोचा ठीक नहीं लेकिन बाद में आज से जब चौबीस नवंबर को जब अभियान था यहाँ पे प्रशासन गांव के संग तब हमने कलेक्टर को एसडीएम को तमाम जो आला अधिकारी थे उन सबको ज्ञापन दे इस बात से अवगत कराया उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आठ दिन में काम शुरू हो जाएगा जो मितेश कुमार है एसडीएम उनसे हमारी बात हुई थी उसके बाद भी बार बार मेरी उनसे बात हुई है दो तीन बार तो बोला है दस लाख रुपए वो प्रशासनिक स्वीकृति थी लेकिन अभी बोल रहे हैं कि वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है तो हो सकता है समाधान हो जाए नहीं तो गांव के अंदर जो महामारी है ये मेरे हिसाब से धौध विधानसभा क्षेत्र का पहला गांव होगा जिसमें इतनी गंदगी गाँव के अंदर है जो रहने के लिए जो लोग रहते हैं वो महिलाएं है, आप देखेंगे तो यहाँ निकल नहीं सकती वो महिला आ रही है आप सामने कैमरा चला सकते हैं वो महिला निकल नहीं सकती जब बरसात का मौसम होगा तब इस गाँव के अंदर भयंकर महामारी और जो जो बीमारी आने की संभावना उत्पन्न हो जाएगी इसलिए हमारा इमिस्व... आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से अनुरोध है कि आप इस बात को पहुंचाएं और आप इस बात को आला अधिकारियों तक पहुंचाएं और इस गाँव की समस्या उठाए ताकि इस गांव का समाधान समस्या का समाधान हो सके बिल्कुल एक बात इससे और समझ में आती है कि जो हमारे नीति बनाने वाले लोग हैं जो इस बात को तय करते हैं कि यहाँ से सड़क बनानी है वो इस बात को पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि जब हम सड़क बनाएंगे तो आसपास की जो गलियां हैं अगर वो नीचे उनमें घर है तो वहाँ पर पानी भरेगा तो मेरे हिसाब से अगर इस प्रकार के अधिकारी इस प्रकार की नीतियाँ बनाते हैं तो उन्हें साथ में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आस की जो गलियाँ हैं उन्हीं के ऊपर भी रोड भी बनाई जाए वहाँ पर भी अगर सड़क साथ में बनने के प्रयास किए जाएँ तो इस प्रकार की समस्याएँ गाँव में नहीं होगी जो विधायक हैं जनप्रतिनिधि हैं उसके तो अगर मैं पूरे सीकर की बात करूं तो इसी प्रकार के हालात हर जगह में देखने को मिल रहे हैं विधायक अगर जागते हैं तो अच्छी बात है वरना दो साल का समय निकल जाएगा उसके बाद में जनता के पास में फिर से मौका होगा और शायद इसीलिए राजस्थान में ये खेल चलता है कि हर पाँच साल में सरकार बदलती है फिर से पाँच साल बाद में दूसरी सरकार होगी शायद हालात बदले ना बदले लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे आज के इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद